हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है एडुटेरिया का करंट अफेयर, जो वार्षिकांक है, और 2021 का करंट अफेयर है। तो ये जो है एक साल का करंट अफेयर है, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर है। और ये एडुटेरिया प्रकाशन का बुक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे पिछले वाले वीडियो में हमने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक को कंप्लीट किया था, और कल जो हम कंप्लीट कराए हैं वो था हमारा चर्चित पुरस्कार से संबंधित, जो 2020 और 21 का है। तो उसमें हमने कंप्लीट किया था वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कार जो था, उसमें साहित्य संबंधित पुरस्कार हमने पढ़ा था। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता पढ़े थे, और उसके बाद पढ़े थे GI टैग, विभिन्न देश के GI टैग से संबंधित। तो आज जो हम करेंगे वो है हमारा वर्ष 2021 के फिल्म संबंधित पुरस्कार। तो फिल्म से संबंधित जो पुरस्कार दिया गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों से संबंधित है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय से शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? नोमैडलैंड को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है नोमैडलैंड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज झाओ जो नोमैडलैंड के हैं उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्लोज झाओ, नोमैडलैंड के लिए इनको 93वां ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये था हमारा ऑस्कर से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है वो नोमैडलैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का चैडविक बोसमैन जो मी डेनिस ब्लैक बॉटम के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्राडे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? एंड्राडे द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विली हॉलीडे के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो क्लोज हाओ है नोमैडलैंड के, इनको सम्मानित किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड से। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा जिसको बोलते हैं उसके लिए द क्राउन को दिया गया है, द क्राउन को। तो ये था हमारा 78वां गोल्डन फिल्म ग्लोब अवार्ड 2021। अब हम पढ़ेंगे 74वां बाफ्टा जिसको ब्रिटिश एकेडमी बोलते हैं पुरस्कार से संबंधित, जो 2021 से दिया गया है। तो इसमें बाफ्टा 74वां बाफ्टा पुरस्कार जो दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है द फादर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज झाओ जो नोमैडलैंड के हैं उनको दिया गया है। अब है भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो कहाँ हुआ है? गोवा में। तो इससे संबंधित पढ़ते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म या स्वर्ण मयूर जो दिया गया है वो इनटू द डार्कनेस डेनिश फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है इनटू द डार्कनेस जो डेनिश फिल्म है। सिनेमा में जीवन पर्याप्त योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है इटालियन सिनेमेटोग्राफर विक्टोरिया स्टोरारो को, ठीक है, इटालियन सिनेमेटोग्राफर विक्टोरियो स्टोरारो को दिया गया है सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार। उसके बाद है फोकस कंट्री का पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश को दिया गया है, और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। किसके लिए विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है? तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। अब हम देखेंगे फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार। तो इसमें जो है तिलोत्तमा सोम ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है, और फिल्म राहगीर द बेफेयर्स के लिए दिया गया है। किसके लिए? तिलोत्तमा सोम को पुरस्कार जो दिया गया है वो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, और फिल्म कौन सा है? राहगीर द बेफेयर्स के लिए, और इस फिल्म का निर्माता गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है अगला है अनुपम खेर को दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? अनुपम खेर को। लघु फिल्म कौन सा? हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है, शॉर्ट फिल्म के लिए। उसके बाद है अमिताभ बच्चन को दिया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द
ऑफ फिल्म अकाइब्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइब्स फीफा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, किसको? अमिताभ बच्चन को। और इनको दिया गया है 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत के किस फिल्म ने जीता है? तो पेपल्स, जो तमिल फिल्म है, पेपल्स को दिया गया है 50वां रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत के किस फिल्म ने जीता है, ये क्वेश्चन है। तो पेपल्स, जो तमिल फिल्म है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय। अब हम करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में देखते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जो दिया गया 22 मार्च 2021 को जारी किया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को लिए दिया गया है मरक्कर अरविकाडो डालिंते को, सीहम अर्का विगडा डालिंते, ठीक है, अराविक डालिंते सीहम। यह एक मलयालम फिल्म है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कर पा रहे होंगे तो कर लीजिएगा। मरक्कर कौन सी फिल्म है? मरक्कर अरबिका डालेंते सीहम, जो एक मलयालम फिल्म है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे के लिए दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी को भोसले, जो हिंदी है, उसके लिए दिया गया है। और धनुष असुरन तमिल मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनावत को मिला है। और इनकी फिल्म कौन सी है? मणिका कर्णिका द क्यून ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है संजय पूरन सिंह चौहान को, 72 हुर्रे हिंदी के लिए। कौन सी फिल्म है इनकी? 72 हुर्रे हिंदी के लिए। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए दिया गया है सिक्किम को, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए दिया गया है सिक्किम को। अब है 66वां फिल्म फेयर अवार्ड, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है थप्पर को, किसको दिया गया है? थप्पर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, जिन कौन सी? तन्हांजी द अनसंग वॉरियर के लिए इनको दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इरफान खान को। तो ये था हमारा 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। अब पढ़ेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से संबंधित। तो दादा साहब फाल्के से जो सम्मानित किया गया है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ है पैरासाइट को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तन्हाजी को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का छपाक मूवी है उसके लिए दिया गया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु को लूडो, उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज एस्केम 1992 के लिए दिया गया है। और क्रिटक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए दिया गया है। क्रिटक्स बेस्ट एक्टर के लिए किसको दिया गया है? सुशांत सिंह राजपूत को। कौन सी मूवी? दिल बेचारा के लिए दिया गया है। अगला है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड 2019 जो जारी किया गया 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। और देखते हैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 आनंगसा विश्वास मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए दिया गया है। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। और अनंगसा विश्वास को दिया गया है मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020। और जेसी डेनियल पुरस्कार केरल का सर्वोच्च सम्मान है, यह दिया गया है फिल्मकार हरिहरन जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। किसको? फिल्मकार हरिहरन को दिया गया है जेसी डेनियल पुरस्कार। ये जो है केरल का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है।
उसके बाद है वर्ष 2021 में खेल से संबंधित पुरस्कार। वर्ष 2021 में खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला है आईसीसी अवार्ड्स 2020। तो आईसीसी खेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, एक मिनट, विराट कोहली किसको मिला है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया है विराट कोहली को। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया है एलिशे पेरी को, फीमेल क्रिकेटर। और आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है स्टीव स्मिथ को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया है विराट कोहली, जो भारत के क्रिकेटर हैं। उसके बाद है आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी पुरुष को किसको दिया गया है, रशीद खान को, जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी के दशक में सीपरेट ऑफ क्रिकेट, इसका मतलब हुआ खेल भावना अवार्ड, किसे दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को, जो इंडिया के प्लेयर हैं। उसके बाद है विजडन अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, विजडम अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1970 के दशक के लिए बीवियन रिजर्ट्स को दिया गया है। किसको दिया गया है, 1970 के दशक के लिए दिया गया है बीवियन रिजर्ट्स को। और विजडन अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1980 के दशक के लिए दिया गया है कपिल देव को। उसके बाद है विजडन अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर दिया गया है, जो 1990 के दशक के लिए दिया गया है किसको, सचिन तेंदुलकर को। विजडन अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1980 के दशक के लिए दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। और विजडम अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2000 दशक के लिए दिया गया है मुथैया मुरलीधरन को दिया गया है 2000 के लिए। और विजडन अलमेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2010 के दशक के लिए दिया गया है विराट कोहली को। अब है खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार। तो जून 2021 में भारत का महान क्रिकेटर बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और इनके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, जिनमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल थे। तो कुल 9 खिलाड़ी शामिल थे जिसमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल थे। उसके बाद है एटियन ग्लिच पुरस्कार 2021। हॉकी इंडिया को दिया गया। किसको, हॉकी इंडिया को। भारत में हॉकी के खेलों में विकास एवं अभिवृद्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एंडियन ग्लिच पुरस्कार किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलांग पदक से सम्मानित किया गया। अजिंक्य रहाणे को दिया गया है जॉनी मुलांग पदक के लिए। जॉनी मुलांग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके नाम में यह सम्मान दिया जाता है। उसके बाद है ब्रिटिश फार्मूला वन ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है, तो लुइस हैमिल्टन को, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है उनके द्वारा इन्हें दिया गया है। अगला है, देखते हैं अगला, विजडन अवार्ड 2021। तो विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दिया गया है बेन स्टॉक्स को, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो लीडिंग क्रिकेटर, लीडिंग मतलब लीडर है, बिना कोई रोक टोक के, बिना बैन के, ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेंगे। इन पे लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के लिए बेन स्टॉक्स, और लीडिंग वुमन क्रिकेटर के लिए बेथ मीनू को। तो देख सकते हैं जैसे कि इसमें लीडिंग अगर वोमेंस में मेंस में पूछे तो वेन स्टॉक्स है, और लीडिंग वुमन में पूछे तो बेथ मीनू है। दोनों का नाम बॉ से शुरू होता है, कन्फ्यूज नहीं करना है, बॉयज़ के लिए बेन और गर्ल्स के लिए बेथ, इसको ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद है लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दिया गया है किरोन पोलार्ड को, जो वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं। किरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है लीडिंग टी20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड के लिए सम्मानित किया गया है।
अब है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021। तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए दिया गया है, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर दिया गया है नाओमी ओशोका को, जो टेनिस खिलाड़ी है जापान की। नाओमी ओशोका टेनिस खिलाड़ी है कहाँ की, जापान की। इनको दिया गया है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर दिया गया है राफेल नडाल को, जो टेनिस खिलाड़ी स्पेन के हैं। अब है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021। मंथ संबंधित है तो जनवरी में दिया गया है ऋषभ पंत को, जो भारत के खिलाड़ी हैं और ये पहले भी जीता थे। ऋषभ पंत जनवरी में इनको सम्मानित किया गया, ये भारत के खिलाड़ी हैं और ये पहला भी जीता रहे हैं। उसके बाद फरवरी में दिया गया है रविचंद्रन अश्विनी, जो भारत के खिलाड़ी हैं। मार्च में दिया गया है भुवनेश्वर कुमार, जो भारत के हैं। अप्रैल में दिया गया है बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी। मई में मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। मई में किनको दिया गया है, मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। जून में दिया गया है डेबोन कांडवे, कहाँ के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है जुलाई में दिया गया है शाकिब अल हसन, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और अगस्त में दिया गया है जो रूट को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगस्त में दिया गया है जो रूट को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब है महिला से संबंधित, तो महिला में दिया जनवरी में जो दिया गया है वो सबनीमा इस्माइल को दिया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है। जनवरी में सबनीमा इस्माइल को दिया गया है, कहाँ की खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका की। और फरवरी में दिया गया है टैमी ब्यूमोंट को, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। मार्च में लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है। अप्रैल में एलिशा हेली ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। मई में कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की खिलाड़ी है। जून में सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की खिलाड़ी है। एक्लेस्टोन कहाँ की खिलाड़ी है, सोफी एक्लेस्टोन तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इनको जून में सम्मानित किया गया। जुलाई के लिए स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। और अगस्त के लिए दिया गया है इमियर रिचर्डसन को, जो आयरलैंड की खिलाड़ी है। अब है पर्यावरण और ऊर्जा से संबंधित पुरस्कार, तो इसको देखते हैं। तो पर्यावरण और ऊर्जा के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो दिया गया है वो दिल्ली के पर्यावरण संगठन के लिए दिया गया है। लाइफ, तो लाइफ का फुल फॉर्म होता है लीगल इनिटिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। और इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कौन से पुरस्कार को, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसको मिला है, दिल्ली के पर्यावरण संगठन को दिया गया है, जिसको लाइफ बोलते हैं। और लाइफ का फुल फॉर्म होता है लीगल इनिटिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। और इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब है अर्थ शॉट पुरस्कार 2021। तो अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 जो है दो भारतीय परियोजनाओं को दिया गया है, जिसमें पहला परियोजना है सोलर पावर लर्निंग कार्ड प्रोजेक्ट, जो तमिलनाडु की छात्रा द्वारा डिजाइन किया गया है। और दूसरा है एग्रीकल्चर वेस्टेज रिसाइकलिंग कंसेप्ट, जो दिल्ली के उद्यमी द्वारा शुरुआत किया गया है। तो इन दोनों परियोजनाओं को दिया गया है अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 से। अब है 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है आयन सक्टा, जो महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और हवाई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया है, पाइवे झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए, जो 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021। तो अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT हैदराबाद को दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT हैदराबाद को दिया गया है। अब है लेड फॉर लाइफ अवार्ड 2021
लैड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ये दिया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। किसको दिया गया है? फैमिलियल फॉरेस्ट्री को, जो राजस्थान पर्यावरण संगठन है उसको यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के संस्था UNCCD द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो यूनाइटेड नेशन, एक मिनट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दी जाती है। किसके द्वारा? UNCCD का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दी जाती है। कौन सी पुरस्कार? तो लैड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। अब है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? वाटर ब्यूरियल, जो अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। वाटर ब्यूरियल फिल्म को दिया गया है और यह कहाँ की फिल्म है? अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है और इसके फिल्म निर्माता जो है शांतनु सेन है। उसके बाद है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है थॉमस विजयन को, जो भारतीय मूल के हैं। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है थॉमस विजयन को, जो भारतीय मूल के हैं। उसके बाद है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 ये दिया गया है सांची NM, जो केरल की है। किसको दिया गया है? सांची NM को, केरल की है और इनको पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया है जेन गुडाल को, जो जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए दिया गया है, विशेषकर चिंपैंजी समाज के लिए। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है जेन गुडाल को। और क्यों दिया गया है? तो जानवरों की बुद्धि और मानवता के अध्ययन के लिए, और स्पेशली चिंपैंजी समाज के लिए। उसके बाद है विटली अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। इसे ग्रीन आस्कर अवार्ड भी कहा जाता है और यह पुरस्कार नुकलू फोम को मिला है। किसको मिला है? नुकलू फोम को, जो नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। तो विटली अवार्ड्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और यह पुरस्कार दिया गया है नुकलू फोम को, ये इस नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। अगला है, देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेजर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? महेंद्र गिरी को। अंतर्राष्ट्रीय रेजर अवार्ड 2021 रेजर महेंद्र गिरी इसे कुछ मिलता जुलता नाम है तो याद रखेंगे। 2021 सम्मानित किया गया है महेंद्र गिरी को और इन्हें राजा जी टाइगर रिजर्व के संरक्षण की विशेषता योगदान के लिए, ये इस उद्यान के रेंज अधिकारी भी हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान दिए हैं महेंद्र गिरी और इन्हें उनका अधिकारी बनाया गया, रेंज अधिकारी भी बनाया गया है। उसके बाद है अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020 दिया गया है S. थियोडर भास्करन। यह पुरस्कार अभ्यारण नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया, और किसको दिया गया है? S. थियोडोर भास्करन को। और यह पुरस्कार दिया जाता है अभ्यारण नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए। अब है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020, तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने की संभावना है और उन्हें यह पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। किनको? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स च्वाइस अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट इरविन को। किसको दिया गया है? रॉबर्ट इरविन को। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और उनकी बुश फायर
शीर्षक वाली छवि के लिए दिया गया है। उसके बाद है वाइल्ड इनोवेंटर अवार्ड 2021। तो वाइल्ड इनोवेंटर अवार्ड 2021 जो दिया गया है वो डॉक्टर कृति के करंत को दिया गया है, और यह पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं जिन्हें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। और केरल में प्रोफेसर CNR राय को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और इस पुरस्कार को NG का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन कार्य के लिए दिया गया। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। बंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को जापान की इकेबाल फूल की व्यवस्था की कला, इकेबाल को किस नाम से जाना है, फूल की व्यवस्था की कला कला के विकास के लिए जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। किसे, श्यामला गणेश को, जो जापान के हैं। उसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021, ये दिया गया है डॉक्टर अमित केसरवानी को, कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको, डॉक्टर अमित कुमार केसरवानी को। अब है पत्रिका से संबंधित पुरस्कार, इसको भी इसी में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, और हमें लगता है कि इसका एक वीडियो और लाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ ज़्यादा नाम याद करना है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। गुड लैमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 दिया गया है मारिया रेशा को। किसको दिया गया है, मारिया रेशा को, यह यूनेस्को द्वारा दिया गया है। उसके बाद है चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर दिया गया है द हिंदू ग्रुप को, यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर ने द हिंदू ग्रुप को यह पुरस्कार दिया है, और इसे समाचार प्रकाशों को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद है संगीत एवं नृत्य से संबंधित, तो इसको हम अगले वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पद्म पुरस्कार 2021। तो ये सब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और नाम याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये बुक नहीं मिल पाया है तो उन लोगों को भी ये मदद मिल जाए। और आप सब लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा आप लोगों को जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनाए और अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ें। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।